चीन के साथ साथ कोरोना ने कई अन्य देशों में भी हाहाकार मचा रखा है। इस बीच अब अमेरिका से हैरान करने वाले कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एपीपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कोरोना को लेकर चिंताजनक आंकड़े जारी किए गए हैं। एपीपी के अनुसार 22 दिसंबर को अमेरिका में लगभग 48,000 बच्चों में कोविड 19 के मामले दर्ज किए गए, जो बच्चों के मामलों में लगातार तीसरी साप्ताहिक वृद्धि है। वहीं यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 10 करोड़ से अधिक कोविड 19 मामले दर्ज किए गए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार महामारी की शुरुआत के बाद से देश में लगभग 15.2 मिलियन बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से लगभग 165,000 मामले पिछले 4 हफ्तों में जोड़े गए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नए रूपों से संबंधित बीमारी की गंभीरता के साथ साथ संभावित दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए अधिक आयु विशिष्ट डाटा इकट्ठा करने की आवश्यकता है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर महामारी के तत्काल प्रभाव हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमें बच्चों और युवाओं की इस पीढ़ी के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। CDC के बुधवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 21 दिसंबर तक 12,16,983 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया भर में 100 मिलियन कोविड 19 मामलों को दर्ज करने वाला पहला देश है। CDC के आंकड़ों से पता चला कि महामारी शुरू होने के बाद से अमेरिका में 1.08 मिलियन से अधिक लोग कोरोना से मारे गए। इस बीच अमेरिका ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्टिंग की घोषणा की है। चीन से भी जो यात्री अमेरिका पहुंच रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव परिणाम आने पर उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।